Oh boy, one hit and done. Rogue gameplay. Guys, मैं आपका दोस्त रोग यप गॉड ऑफ वॉर क्रेटोस एंड बचुआ के साथ आ गया हाजिर हो गया हूँ. एंड मैं यहाँ पे आई थिंक एरिना 6 में हूँ ले लोटा. मैं वैलकरी को मार चुका हूँ बाय द वे. तो बाय द वे मैं इस वीडियो में मेरा गोल क्या है, आई एम गोना शोकेस जूस आर्मर मैन. तो यू कैन सी जूस आर्मर मेरे पास है, तो मैं इसको शोकेस करने वाला हूँ. दैट मीन्स मैं इसको थोड़ा सा यूज़ करने वाला हूँ. मीन्स एंड स्वैप एंड दिस जूस आर्मर मैन. आई गॉट ऑल द जूस आर्मर बाय द वे. तो यस आई हैव वर्कड हार्ड टू गेट दिस. तो ऊपर नीचे नीचे ऊपर सब जगह का जूस आर्मर मेरे पास आ गया है. तो नाउ यू कैन सी द आई एम गोना शो यू गाइज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट जूस आर्मर. यू कैन सी the chest armor, you can see massively increase the damage of Kratos standard and you can see the strength is 50, runic 50, defense 50. मैं इसे अपग्रेड कर लिया हूँ, 8 प्लस कर लिया हूँ, एक बार और अपग्रेड करूँगा 9 पहुँच जाएगा. एंड ग्लास बैलिस्टा अकॉर्डिंग टू द मिथ मैसिवली इंक्रीज द डैमेज ऑफ क्रेटोस स्टैंडर्ड्स अटैक बट ऑल्सो इन्फ्लिक्ट्स द डैमेज ही रिसीव. बोथ इफेक्ट्स ग्रो सिग्निफिकेंटली एज मोर पीसेस ऑफ जूस आर्मर सेट आर वॉर्ड. तो नाउ यू कैन सी मैं यहाँ पे जो यहाँ पे सेम चीज़, तो यहाँ पे 45 45 45 है यहाँ पे भी. दैट मीन्स मैंने तीनों का तीनों जूस आर्मर मैंने पहन लिया है मैन. और तो मेरे पास कहीं जूस आर्मर है नहीं. तो यप नाउ गाइस लेट्स शोकेस दिस आर्मर. हाँ लेट्स सी व्हाट इट कैन डू. ना मैं कितना जल्दी मर. ही इज रिक्वायर्ड टू व्यूर सेल्फ. ले लोटा वार्म अप व्हाई नॉट. सूटर्स हिडन ट्रायल वार्म अप कर सकते हैं. लेट्स सी. ओ बॉय यू कैन सी द डैमेज डन मैन. Oh boy, one hit and done. Nice. Let me try this. Man, damage तो इतना खतरनाक दे रहा है कि क्या बताए. Nice. And I just did runic attack. I mean runic cancel attack. Oh boy. Like this. You see our damage by le bhi raha hu utna hi. You can see mera damage. Meri up. Mera damage main jitna damage de raha hu na usse zyada le bhi raha hu. Yep, Zeus armor is nuts yaar big time. And और मेरा वो जो वो है ना क्या बोलते हैं रेज. यस रेज भी उतना खास कम नहीं हो रहा है. ऑल राइट नाउ लेट मी टेक दैट इन ऑर्डर टू हील. ओके मूव. ऑल राइट लेट मी स्लो द टाइम. ऑब्वियसली आई एम यूजिंग Riam Sif thingy, you know. See, my cooldown is so tight. मेरा cooldown तो इतना ज़बरदस्त हो गया ना. मैं अपना cooldown पे बहुत काम किया हूँ ताकि मैं बहुत जल्दी जल्दी अपना इसको यूज़ कर पाऊँ. See, they have no chance. Literally, they have no chance. Oh boy. No, तू कैसे बचेगा? एक आइडिया दे दे बाबा. तो यस दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो यू गाइस. आई हैव वर्कड वेरी हार्ड इन दिस गेम टू गेट दिस एंड दैट. मैन आई कैन किल एवरीवन लाइक इंस्टेंट यू नो. एंड इवन मैं वो डॉट्स थिंगी भी रख लिया हूँ. मेरा कूलडाउन तो पूरा टाइट कर लिया हूँ मैं अपने आप को. तो जूस आर्मर का यही है भाई, कूल डाउन इतना ज़्यादा आपका बढ़ा देता है ना. इफ सी ऑल द ऑल एवरीथिंग गॉट्स कूल वेरी क्विकली. नाइस आई मीन दैट्स व्हाट. नो यू वांट. नाइस
नो तो जूस आर्मर का यही फायदा है कि आपका कूलडाउन पर बहुत ज़्यादा फोकस करता है ये। सी जब तक मैं इन लोगों को हिट किया तब तक मेरा ये काम हो गया। टेक दिस फुल, आई कैन डू दिस ऑल डे मैन, आई कैन डू दिस एक्चुअली ऑल डे, यू नो नो वन गोना स्टॉप मी। ऑल राइट आई गॉट वन। दिस इज द जूस आर्मर मैन, दिस इज द जूस आर्मर, दिस इज द फायदा ऑफ जूस आर्मर लिटरली स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग। ना डोंट मैन, मेरे पास डॉज थिंगी भी है, आई कैन डॉज, अगर परफेक्ट डॉज करूँगा तो मेरा भी रियाम स्विफ्ट, रियाम स्विफ्ट इज द बेस्ट पावर यू कैन अक्वायर यार इन दिस गेम, बेस्ट पावर। नो टेक दिस। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा इसको देख के, मैं ज़्यादा देर भी इसको पकाऊंगा नहीं रहा किसी चीज़ से, मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था, प्रैक्टिस क्या कर रहा था, बस वही शोकेस करने के आया था। ऑल राइट, दिस इज़ द पावर ऑफ जूस आर्मर गाइस, आई होप कि आप लोग को मज़ा आया होगा ये वीडियो। तो गाइस अगर ऐसे ही आपको और वीडियो चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको कोई भी मेरा अपडेट्स मेरे इस चैनल का अपडेट, ऑब्वियसली मेरे पास एक ही चैनल है, लेकिन जैसे कि एट्रियस का जो वो है ना, वो भी कितना जल्दी कूल डाउन ख़त्म हो गया उसका, कि मैं इसको तुरंत यूज़ कर सकता हूँ। ओके नाउ लेट मी हैव द परफेक्ट डॉस थिंगी, लेट मी शो यू व्हाट द हेल, परफेक्ट डॉज, आई विल डाई वेरी क्विकली अगर इफ आई गेट हिट मैन, सो डोंट गेट हिट। सी डैमेज मैन, आई कैन किल देम लाइक दिस। तो मैन अगर आपको भी अगर अपना कूल डाउन ऐसा बनाना है तो आपको जूस आर्मर पे वर्क करना होगा, जूस आर्मर आपको चाहिए ही होगा, ये आपको बहुत सारी स्टैट्स देता है, आपका सारा का सारा रेज भी बहुत जल्दी फील होता है, एवरीथिंग मैन, एवरीथिंग। Now and I am using these mimic attacks because they have very less cooldown time. I mean 30 second, 38 second. So yes, I think this is the best man. I think मेरे हिसाब से तो अगर आप God of War खेल रहे होंगे, actually तो मैं God of War 2-3 बार खेल चुका, New Game Plus भी खत्म कर दिया हूँ, तो obviously अगर आप खेल रहे होंगे तो जरूर जूस आर्मर पे ध्यान दीजिएगा, जूस आर्मर आपको जहाँ भी मिल जाए उसे छोड़िएगा मत, उसे एकदम यूज़ कीजिएगा, मैं इसे ही यूज़ करके खेलता हूँ यार, इससे अनस्टॉपेबल हो जाता है ये, क्योंकि ये अपना सब चीज़ तुरंत यूज़ कर सकता है, सब चीज़ कूल डाउन इतना फास्ट हो जाता है ना, मैन मज़ा आ जाता है यार। ऑल राइट आई थिंक गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, still don't forget to subscribe man, shit।